गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल? आई एम फाइन मैम. आई एम फाइन. गुड इवनिंग दीपिका. ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी कराती हूँ मैं इसे, तो स्क्रीन शेयर करता हूँ. गुड इवनिंग मैडम. गुड इवनिंग, आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी यस मैम. बोल लेट मी सी द स्लाइड. सो वेलकम टू डे 66. अच्छा, आपको ये फुल स्क्रीन दिख रही है? यस मैम. यस मैम. सो वेलकम टू. हाँ जी. सो वेलकम टू डे 66 एवरीवन. एज यू कैन सी, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डाउनलोड द ऐप फ्री कैंपस. सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू यू नो सर्च अबाउट द डेली टॉपिक्स everything. So and I'm audible, right? Breaking your voice, ma'am. Am I audible? Yes ma'am, you are audible. Okay. So मैं जब क्लास दे रही हूँ तो आप लोग प्लीज अपने, जब तक मैं ना कहूँ तो अपने माइक को म्यूट ना करना, मतलब सॉरी अनम्यूट मत करना, सॉरी. तब तक आप लोग अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज, बिकॉज मुझे पीछे फिर लोगों की आवाज आती है. Right, so let's get started. Again, I would say welcome to day 66. And again, it's a reminder to subscribe to the YouTube channel and download the app Free Campus, because it's very easy. And YouTube pe aapko notification bhi aati rahegi jab bhi live classes hongi and everything. And with the app, you can easily find out the syllabus for the next day. You can also find videos there, which you will be able to, you know, grasp the concept very easily, because wahan pe, yes, two people have raised their hands. What happened? Who have raised hands? What has happened? Anyone can tell me? Kya hua hai? Three participants have raised hands. So what is the reason? Shivam, why have you raised the hand? Now you all have raised your hand, but मुझे आप आवाज बता नहीं रहे हो. So Shivam, आपने अपना hand raise किया हुआ है. And Ganesh, please अपना mic mute रखिए. जी मैम. ओके मैम, म्यूट है. नहीं, आपका म्यूट नहीं है, आप म्यूट कर दीजिए उसे. और आपने भी हैंड रेज किया हुआ है. क्या हुआ है? No, फिर आप गणेश भी अपना माइक म्यूट रखिए. अभी भी अनम्यूट है. म्यूट है. मुझे आपकी आवाज आ रही है, इसका मतलब म्यूट अभी नहीं है. आप वो जो माइक का वो बना हुआ है उस पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ शोर है कि आप अभी म्यूट नहीं है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडे. Just a second, please. Next is quote of the day. Nothing is impossible. The word is, it
itself says, I am possible. It's by Audrey Hepburn. So, mana quote of the day kya kehta hai ki kuch bhi impossible nahi. Impossible ka matlab ki aisi koi bhi cheez hai jise hum karke nahi dikha sakte ya jo cheez agar hum mehnat kare wo nahi ho sakti. Kyunki the word itself jo hai wo kehta hai ki I am possible. Because if you see the spelling of impossible, it is I am POSSIBLE. अब आप possible शब्द को अलग कर दो and I am को अलग कर दो. So हमें पता है कि I apostrophe M का मतलब है I am, right? So जहां मैंने इसे लिखा हुआ है कि I am possible, ये कि impossible शब्द जो है वो खुद कह रहा है कि मैं possible हूँ. So हमें किसी भी चीज का ये सोच के नहीं चलना चाहिए कि ये काम तो बहुत मुश्किल है, ये तो impossible. No, nothing is impossible. जिस चीज पे आप पूरी मेहनत करोगे, अपना पूरा डेडिकेशन दोगे. कल का हमारा वर्ड था कमिटमेंट, यानी कि अपनी पूरी हमने मेहनत से पूरी डेडिकेशन हमने दी है उस चीज को काम करने के लिए, तो वो काम हम करके दिखाएंगे वो होगा, राइट? सो इसीलिए हमें किसी भी चीज के लिए ये नहीं कहना चाहिए कि इट इज इम्पॉसिबल, ये काम इम्पॉसिबल है या चीज करनी इम्पॉसिबल है या कुछ भी, नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट? बिकॉज हम कहते हैं ना कि देखो ना ये तो ये लिखा हुआ इट्स इम्पॉसिबल. कोई कहता है कि इट्स दिस चीज, आई मीन दिस टास्क इज इम्पॉसिबल. हाउ डू दे नो इट्स इम्पॉसिबल? क्या उन्होंने करके देखा है? अगर उन्होंने करके देखा है और उनसे नहीं हुआ, इसका मतलब उनके तरफ से कोई कमी थी. ऐसा नहीं है कि आप कोई, अब देखो जैसे कि हम लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, एक बार जब हम नई लैंग्वेज के बारे में सुनते हैं ऐसा मतलब कि हमें पता लगता है किसी और के मुझे सुनते हैं, तो हमें कितनी डिफिकल्ट लगती है. जैसे कि अगर एक इंडियन इंसान फ्रेंच सीखने जाएगा तो ऑब्वियसली जब वो पहली बार सुनेगा तो उसे लगेगा कि ये क्या है, ये क्या आ गया मेरे को, ये क्या बोल रहे हैं. मोस्टली लोगों को फ्रेंच बोलने का सिर्फ एक शब्द आता है, वो है बॉन्जूर, जो है फ्रेंच में हेलो, राइट? तो वो चीज जो है, अगर हम बॉन्जूर सीख सकते हैं तो हम बाकी शब्द क्यों नहीं सीख सकते? ये बहुत बड़ी मिथ है लोगों के दिमाग में कि कुछ ऐसे काम होते जो हो ही नहीं सकते. अरे भाई, जब शब्द खुद कह रहा है आई एम पॉसिबल, आपका जो वर्ड है इट्स अ हिडन मीनिंग इन द वर्ड दैट यू कैन डू इट एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल, देन ऑफ कोर्स यू कैन डू इट. ओके, एंड इट्स एंड द कोट इज बाय ऑड्री हेपबर्न. आपको मैं ऑड्री हेपबर्न के बारे में कुछ बताती हूँ. ऑड्री हेपबर्न जो थी वो 1950s एंड 1960s की हॉलीवुड की बहुत बड़ी सुपरस्टार. शी वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एक्ट्रेस एंड यू नो वो अपनी जनरेशन से ना थोड़ी आगे चलती थी. वो चाहती थी कि हमारी दुनिया में पीस हो, दुनिया में प्यार हो, दुनिया में औरतों को वही वैसी ही इज्जत मिले जो आदमियों को मिलती है. एंड शी वॉजंट रॉन्ग, बिकॉज नाउअडेज अभी हम देख रहे हैं कि ईरान में कितना बुरा चल रहा है. एक वहां की लेडी को उन्होंने हिजब के राइट्स के ऊपर उसे उन्होंने यू नो कितनी बुरी तरह से उसका हाल किया. एंड वी हैव सीन सो मेनी पीपल आर प्रोटेस्टिंग फॉर इट. And it still pains me to see this because we are in 21st century. हम 21st century के भी 22 सालों में आ चुके हैं और अब तक हम इस चीज पर लड़ रहे हैं कि आदमी और औरतों के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. क्यों नहीं होनी चाहिए? दोनों इस दुनिया में रहते हैं, दोनों इस दुनिया में काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पैदा होते हैं, मर जाते हैं, तो फिर दोनों को इक्वल इज्जत क्यों नहीं मिलनी चाहिए? That's a different topic, but still. बट ऑड्री हेपबर्न जो थी वो अपने टाइम की एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस थी हॉलीवुड की. उन्होंने 1950s, 60s, 70s में उन्होंने राज किया था एंड शी डाइड एट द एज ऑफ 93. सॉरी. सो सेइंग दिस काइंड ऑफ सेइंग, मतलब कि ऐसे शब्दों को अपने इतनी प्यार से समझाना, मतलब कि इतने अक्लमंदी से उन्होंने ये लाइन समझाई है कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल वो शब्द खुद कहता है कि मैं पॉसिबल हूँ, आई एम पॉसिबल. So this is a very clever thing to say and she said it in a very beautiful way. उन्होंने आपको message भी दे दिया और उन्होंने उस word के साथ भी खेल के आपको अच्छे से message clear कर दिया, right? Next, word of the day. Word of the day है fatigue.
हाँ जी, फटीक के बारे में बात कर रहे थे. आई वाज टेलिंग यू एन इंसिडेंट व्हाट हैपेंड वाज लास्ट मंथ. माय मदर इज अ टीचर, सो शी हैज अ कॉलीग, अपने कॉलीग के साथ काम करती है. हिज सन, हर सन, सॉरी, हर सन वाज इन 9th स्टैंडर्ड. ही इज इन 9th स्टैंडर्ड, एंड 9th स्टैंडर्ड पे आप बिलीव कर सकते हो, एक बच्चे को एक साइंस के पेपर की इतनी टेंशन हुई, वो लिटरली हॉस्पिटलाइज हो गया उसको. ही हैड टू बी स्कूल पढ़ा है, कॉलेज पढ़ा है. आजकल इतने छोटे बच्चों पर भी इतना प्रेशर डाला जाता है टू बी नंबर वन इन द रैट रेस, ये हाल है. सो फटीक ऐसा शब्द जो है हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, बिकॉज आप मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाते हो ना, तो आप कोई काम करने के लायक नहीं है. आपको कुछ करने का मन नहीं करता, आपको कुछ उठने का मन नहीं करता, आप दिन भर सोते रहो या फिर कुछ भी ना करो, यू जस्ट बिकम अनप्रोडक्टिव, एंड दैट इज नॉट अ राइट थिंग, बिकॉज उसका आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी उतना ही असर पड़ेगा और आपकी मेंटल हेल्थ पे भी उतना ही असर पड़ेगा. सो जब भी आप थका हारा फील करते हो, और वो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ लाइक फिजिकली फील कर रहे हो, मेंटली भी जब आप यू नो हर चीजों से लाइक थक चुके हो कि ये क्या मेरे आसपास हो रहा है, लाइक यू आर नॉट जस्ट यू आर नॉट रेडी टू डील विद इट, सो दैट इज हाउ यू फील, यू आर फटीग, आप फटीग फील कर रहे हो एंड यू जस्ट कांट डू एनीथिंग. सो दैट्स व्हाई वी से इट इज अ स्टेट ऑफ फीलिंग ऑफ टायर्ड, आप थका फील कर रहे हो, वीकनेस फील होता है. देखो इसका आपकी बॉडी पे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, आप बीमार पड़ सकते हो, आपके वाइटल्स डाउन हो सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हो गया, कुछ भी हो गया, आपको डिजीजेस लग सकता है, वो भी इतनी अर्ली एज पे. आपने आपने क्या सोचा होगा कि 9th के बच्चे को ऐसे अटैक आ रहे हैं. किसका माइक है मैम? किसी का माइक ओपन है? गणेश आपका ही है. ये क्लास मतलब डेली चलता है 5 PM पे? हाँ जी, ये क्लास जो चल रहा है 5 PM पे डेली चलता है? मैं नया हूँ ना, नहीं तो मुझे पता नहीं. हाँ हाँ, ये 5 to 6 चला करेगा, 5 to 5 जितना हम कर सकते हैं हम कर लेंगे. 5 o'clock से शुरू हो जाती है, एंडिंग. तो मतलब इसके अलावा और कुछ कोई क्लास चलता है कि इसी टाइम पे चलता है? YouTube चैनल है ना, आप YouTube चैनल देखो, वहाँ पे सारी आपको लाइव आपको क्लासेस मिल जाएंगी, वहाँ पे सारी वीडियोस हैं, आप वहाँ से सारा देख सकते हो. फ्री कैंपस का ऐप डाउनलोड करो, आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी वहाँ पे. आप फ्री कैंपस का YouTube चैनल जी, हाँ जी, अब आप YouTube चैनल फ्री कैंपस YouTube चैनल ऐप. अब प्लीज आप क्वेश्चंस वगैरह बाद में, आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, सो हम जब क्लास एंड करने वाले होंगे तब आपको जो सवाल पूछना होगा मैं आपको जवाब दूंगा. ओके, तब तक अपने आप को प्लीज म्यूट कर दो. थैंक यू. ओके, सो इज एवरीवन क्लियर विद द वर्ड फटीग? जस्ट शो मी द थम्स अप ऑन योर जूम पे, आई जस्ट वांट टू सी दैट. थम्स अप आप दिखा दीजिए अगर आपको समझ आ गया है तो. ओके, एक आया है व्हाट्सएप. अमरनाथ आपको आ गया समझ? अर्चना को आ गया? ओके, अरविंद, दीपिका, जस्सी, खुशबू, खुशी. ओके, टू पीपल हैव गिवन. ओके, नेक्स्ट इज देयर सोनम, तुलसी, वैशाली. आई थिंक समझ नहीं आया. ओके, आपको क्या पार्ट बेसिकली समझ नहीं आया? फटीक बारे आपको समझ नहीं आया? कैन यू टेल मी अगेन? एक बार फिर से इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए. ओके ओके, डोंट वरी. फटीक जब हम थके हुए फील करते हैं ना, कि हमारे में बिल्कुल अब जान ही नहीं है कुछ भी करने के लिए, लाइक जैसे कि हम स्कूल से आते हैं या अपनी जॉब से आते हैं, कोई भी काम करके आते हैं, आप एकदम थका हुआ फील करते हो ना कि बस अब मुझे और कोई काम ना बोल, बस मैं थक गई हूँ, वो होती है आपकी फटीग. यानी कि फटीग जो है वो एक इमोशन है जिसको आप फील करते हैं, यानी कि आप उस चीज को मतलब कि आप कोई काम नहीं करना चाहते, आप थक चुके हैं. थकना, फटीग इज बेसिकली
पे थक जाना, ठीक है ना। अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो इसका मतलब है आप बिल्कुल थक गए हो, एकदम सेंस ऑफ फटीग में, यू नो यू आर फीलिंग वेरी फटीग, ठीक है। सो इसलिए आपको लिखा है कि, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फटीग सिर्फ फिजिकली फील करते हो, मेंटली फटीग भी आप फील कर सकते हो। मेंटली मतलब आप जब आपके ऊपर काम का इतना प्रेशर होना, जैसे कि आपने असाइनमेंट भी कंप्लीट करनी है, प्रेजेंटेशन बनानी है, ये काम करना है, वो काम करना है, कितने सारे काम जो आपके मन में, और आपका दिमाग थक जाता है ना, बिल्कुल वही चीज है। बॉडी जैसे हमारी थकती है, हमारा माइंड भी वैसे थकता है, बिकॉज देखो हमारा माइंड जब तक हम जाग रहे हैं तब तक वो फंक्शन कर रहा है, और हमारे सोने के बाद भी करता है। तो हमारा माइंड जो है वो 24/7 फंक्शन कर रहा है, तो माइंड भी कभी ना कभी तो थकेगा ही ना, राइट। तो जब आप बॉडी से आप थक जाते हो, फिजिकली आप थका हुआ फील करते हो, तो आप नींद पूरी सो जाते हो या फिर आराम कर लेते हो, तो आपकी थकावट थोड़ी कम हो जाती है, राइट। लेकिन मेंटली जो फटीग है उसको कम और मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप कोई मेंटल हो या फिर आपका कुछ खराब है, नो बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ी रॉन्ग चीज है। आपको जब मेंटली आप हर चीज डिटैच फील करते हो ना कि मुझे कुछ नहीं काम करना, मेरा किसी चीज में काम, मेरा दिल नहीं लग रहा, मुझे काम नहीं करना, मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना, इसका मतलब है कि आप मेंटली फटीग फील कर रहे हो, आप थक गए हो, मुझे कोई काम नहीं करना, राइट। सो हमारी जो फटीग है वो सिर्फ फिजिकल पे, मतलब सिर्फ हमारी बॉडी से रिलेटेड, मतलब कि हम सिर्फ फिजिकली फटीग फील नहीं करते हैं, मेंटली भी फटीग फील करते हैं। अब आप लोगों को आ गया समझ? यू कैन से यस और नो। ओके मैम। यस मैम, यस मैम। अभी बिना ना तो फिर मेरी तो शामत आ रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोरी टेलिंग। अब स्टोरी टेलिंग का मतलब क्या है? स्टोरी टेलिंग तो हमने ये शब्द कब सुना है? जब हम बच्चों को या अपने भाई बहनों को या छोटे बच्चों को, जब हम क्या कहते हैं उनको, उनको सोने का टाइम होता है, या हम भी जब छोटे होते थे तो हमेशा अपने मामा पापा को बोलते थे कि मामा स्टोरी सुनाओ ना, पापा स्टोरी सुनाओ ना, क्योंकि हमें हमेशा वो स्टोरी सुन के बड़ा अच्छा लगता था, नॉस्टैल्जिक फील होता था, बिकॉज उस स्टोरी में कोई भी कहानी हो सकती है, कोई कहीं से भी शुरुआत हो सकती है, कहीं पे भी उसका एंड हो सकता है। सो जो स्टोरी टेलिंग का जो मेन पर्पस है वो है आपको, फॉर द पर्सन हु इज टेलिंग द स्टोरी टू गेट क्रिएटिव विद हिज वर्ड्स, एंड फॉर द पर्सन हु इज लिसनिंग टू द स्टोरी, वो अपने मन में वो दूसरों के शब्द को सुन के वो अपने मन में पूरा इमेजिनेशन करता है, और वो इमेजिनेशन उनको इतनी अच्छी लगती है कि उनका रोज मन करता है। एंड उसके बाद आप ऑब्वियसली आप अपने मन में इतनी इमेजिनेशन कर रहे हो तो आप भी सोचते सोचते थक जाते हो, अगेन फटीग फील करते हो, तो इसीलिए बच्चे जो है जल्दी फिर कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं, जितना जो मुझे लगता है कि बिकॉज मैंने जितने भी अपने छोटे भाई बहन, मेरे कजन हैं, उनको जब हम भी छोटे होते थे हम भी कहानियां सुनते थे, हमने अपने छोटे भाई बहनों को भी सुनाई है, वो भी बड़ा फटाफट कहानी सुनते सुनते सो जाते थे। सम किड्स आर लाइक जिनको एंड तक स्टोरी सुननी है कि भाई कैसे उसकी एंडिंग हुई, आई वॉन्ट टू नो। कई लोग होते जो स्टोरी सुनते सुनते सो जाते, राइट। तो आई वॉज वन ऑफ द किड्स जो क्या कहते हैं हमेशा एंड तक सुन के ही सोती थी, बिकॉज आई वॉज वेरी क्यूरियस एज अ चाइल्ड, आई स्टिल एम, एंड आई रियली होप टू बी इन द फ्यूचर ऑल्सो, बट वो थोड़ा आगे चलते हैं। सो स्टोरी टेलिंग इज द इंटरक्टिव आर्ट ऑफ यूजिंग वर्ड्स एंड एक्शंस to reveal the elements and images of the story while encouraging the listener's imagination. अच्छा, हमारा जो माइंड है वो कुछ भी कहीं भी कभी भी सोच सकता है, राइट। हमारे माइंड की इमेजिनेशन इतनी ज्यादा है, इतनी फार वाइड है कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, राइट। हम लोग एलियन के बारे में सोचते हैं, हम लोग स्पेस के बारे में सोचते हैं, हम लोग कितना कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं कि यूनिवर्स की स्टार्ट कैसे, हमारी जो सो इमेजिनेशन की जो लिमिट है ना वो बहुत ज्यादा है, मतलब कि इट्स अनलिमिटेड। हमारी सोच छोटे से कीड़े को लेके इतने बड़े यूनिवर्स की तरफ भी जा सकती है। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी एक्चुअली अगर हम एज ए यूनिवर्स के कंपेयर में देखें तो सिर्फ इतनी सी है, उसके जैसी करोड़ों और गैलेक्सी और हमें उसका कोई आइडिया नहीं। सो अगर हम सोचने बैठे ना तो हमारी इमेजिनेशन बहुत दूर जा सकती है,
और उसी इमेजिनेशन को हम अपनी स्टोरीज में भी यूज करते हैं और हम अपने बच्चों को इनकरेज करते हैं कि तू थिंक बिग। लोग क्यों कहते हैं, एड्स में कहते हैं ना थिंक बिग। थिंक बिग का मतलब है कि अपनी जो सोच की वो लिमिट है ना वो कम मत रखो। दैट्स व्हाई पीपल से स्काई इज द लिमिट। अब स्काई कितना दूर है हमें क्या ही पता। चलो स्काई जो हम देखते हैं अपने आज अपने अर्थ से, अब अपने यहाँ पे घर बैठे आसमान देख रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि ऐसे हाथ लगाएंगे तो हाथ में आ जाएगा, लेकिन नो, स्काई बहुत दूर है, आउटर स्पेस। और हम सूरज को देखते हैं, धूप जो है, सूरज जो है वो हमसे बहुत ज्यादा किलोमीटर्स दूर है। वी कांट इवन इमेजिन द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। वी नो द डिस्टेंस, वी नो इट इन नंबर्स, बट हम प्रैक्टिकली उसे ट्रेवल तो कर नहीं सकते, बिकॉज जितना हम पास आते जाएंगे उतना ही जल्दी हमारा स्पेस शटल जो है वो जल के राख हो जाए। राइट, सो लेट्स नॉट थिंक अबाउट दैट। सो स्टोरी टेलिंग की हम बात कर रहे थे। स्टोरी टेलिंग जो है वो ना एक बेसिकली एक आर्ट है, बिकॉज स्टोरी टेलिंग ना कोई आसान चीज नहीं। जो हम बुक्स पढ़ते हैं, मूवीज देखते हैं, हम प्लेस देखते हैं, वो सब क्या 2 दिन में लिखे जाते हैं? नो, इन चीजों को लिखने के लिए आपकी इमेजिनेशन होनी बहुत जरूरी है। आपको कैरेक्टर्स बनाने पड़ते हैं, आपको कैरेक्टर का बैकग्राउंड बनाना पड़ता है, आपको कैरेक्टर को स्टोरी देनी पड़ती है, कैरेक्टर का पास्ट स्टोरी देनी पड़ती है, कब बड़े हुए, कब पैदा हुए, कौन माँ बाप के, माँ बाप की स्टोरी। इतना लंबा इमेजिनेशन क्या आप एक दिन में कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। सो स्टोरी टेलिंग आपकी, हम और बच्चों को स्टोरी सुनाते टाइम भी आपकी स्टोरी टेलिंग की आप ना एक दूसरे वर्ल्ड में जा सकते हो। इट्स दैट क्रिएटिव। सो एक बहुत ही इंटरैक्टिव यानी कि ये टू वे स्ट्रीट है। यानी कि अगर मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी तो आप भी सुन रहे हो ना, राइट? मैं आपको कोई स्टोरी सुनाती हूँ, आप स्टोरी सुनोगे, तो इट्स एन इंटरैक्टिव सेशन। अगर मैं स्टोरी सुना रही हूँ, बीच में आप मुझसे एक सवाल पूछते हो, तो वो एक इंटरेक्शन हो रही है हमारे बीच, राइट? तो ये जो है एक आर्ट है, इट्स नॉट एन एकेडमिक। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसमें काइंड ऑफ एकेडमिक है भी, बिकॉज इसमें आप अपनी स्टोरी टेलिंग इन द सेंस अगर आप राइटर बनते हो या मूवी डायरेक्टर बनते हो या सारे इस इंडस्ट्री में जाते हो, सो आप इसको एज अ बिजनेस भी कर सकते हो, राइट? सो वो अलग चीज है, बट स्टोरी टेलिंग जो है हमारे एक इंटरेक्टिव आर्ट है, जिसमें हम अपने शब्द और अपने एक्शंस हम वर्ड से करते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ प्रिंसेस, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ स्पेसशिप। हम अपने शब्दों से और अपने एक्शंस से हम यू नो एक स्टोरी को, एक पूरी स्टोरी क्रिएट कर सकते। जैसे कि हम अब कहानी चार लाइनों की तो होती नहीं ना, कि एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गए खत्म कहानी। नो, दैट इज अ वेरी लेम स्टोरी और जिसका कोई सिर पैर कुछ नहीं, राइट? सो स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इंटरैक्टिव बनाने के लिए यू नो उसमें आप एलिमेंट्स डालते हो। क्या आप उसमें हैप्पीनेस डालते हो, थोड़ी सैडनेस डाल दी, थोड़ी कॉमेडी डाल दी, उसमें आपने सस्पेंस डाल दिया। अब देखो जब भी सस्पेंस आता है तो आप हमेशा क्यूरियस होते हो ना, इसका मतलब है कि आप अगले ने आपको अपनी स्टोरी में इंटरेस्ट कर लिया, उसने आपकी अटेंशन ले ली। स्टोरी टेलिंग का मैजिकल आर्ट यही है कि आपको अब जिसको आप स्टोरी सुना रहे हो आपके पास उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसका जो क्यूरियसनेस है वो आपके पास होनी चाहिए, कि वो आपसे पूछे आगे क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो ये चीज अगर आपने एस्टेब्लिश कर ली ना, इसका मतलब कि आप बड़े अच्छे से कहानी सुना रहे हो, क्योंकि अगला बंदा इंटरेस्टेड है इन व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट यू माइट से इन द नेक्स्ट ऑफ इन द स्टोरी, राइट? सो ये चीज जो है स्टोरी का टेलिंग आर्ट है। आप अपनी स्टोरी में कुछ भी डाल सकते हो। जब भी आप स्टोरी सुनाते हो ना, स्टोरीज 2 तरह की होती है, फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल। फिक्शन यानी कि जो सिर्फ यहाँ है इमेजिनेशन, जो रियालिटी नहीं है। अगर मैं कहानी सुना रही हूँ राजा रानी के बारे में जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं किए थे, तो वो फिक्शनल कैरेक्टर हैं जो सिर्फ किताबों में मिलते हैं। जैसे कि हम स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, स्टोरी बुक्स में जैसे आपने कभी आपने चेतन भगत का नाम सुना होगा। चेतन भगत जो है बहुत ही इंडिया का एस्टैब्लिश राइटर है, और मैंने उसकी और मैं खुद बुक्स अपना प्लीज म्यूट कर लीजिए माई अर्चना हाँ आपका ये माइक बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, प्लीज इसे म्यूट रखिए। सो या ओके, सो व्हाट वाज दैट, आई फॉरगॉट व्हाट आई वाज टेलिंग यू, सो लेट्स गो फर्दर। सो आप अपनी स्टोरी की कला में क्या कहते हैं, फोटो कहते हैं, यू नो आप कुछ भी यूज कर सकते,
आप कोई भी एलिमेंट डाल सकते हो, कभी आप कहानी में उतार लेके आ सकते हो, कभी कहानी में चढ़ाव लेके आ सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। और स्टोरी टेलिंग को सुनाने का तरीका भी आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कब आपने एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराना है या कब ऑलरेडी कैरेक्टर को बाहर निकालना है। हाँ, आई रिमेम्बर आई वाज टेलिंग यू अबाउट चेतन भगत। चेतन भगत की एक चेतन भगत जो है बुक्स बहुत अच्छी लिखता है। एंड आपने आप लोगों ने मूवी वो देखी होगी टू स्टेट्स, हैव यू सीन द मूवी टू स्टेट्स, आलिया भट्ट एंड अर्जुन कपूर वाली, हैव यू नो मैम। यस मैम। देखी है ना, तो जिन्होंने नहीं भी देखी इट्स कम्प्लीटली ओके। मैं बस एग्जाम्पल देती हूँ। अब जैसे मूवीज की बात ही कर लेते हैं, मूवीज जो है वो एक तरह से फिक्शनली होगी, एक्सेप्ट फॉर जितनी भी हम बायोग्राफी, जैसे मिल्खा सिंह के ऊपर जो मूवी थी वो रियलिटी पे बेस्ड, राइट? तो वो स्टोरी फिक्शनल हो सकती है लेकिन एक रियल इंसान पे बेस्ड है ना, तो वो एक फिक्शनल की कैटेगरी में आती नहीं। फिक्शन की कैटेगरी में आती है ये मूवी, जैसे कि देवदास हो गई, जैसे कि ये वाली टू स्टेट्स हो गई, या फिर जितनी भी कितनी सारी मूवीज आती है, जैसे कितनी भी आजकल ये सीरीज वगैरह चल रही है। प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए, बिकॉज मेरा रिदम टूट जाता है फिर, एंड आई फॉरगेट व्हाट आई वाज, भूल जाती हूँ मैं क्या कहना मैंने। सो या हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, ये जितनी भी मूवीज हैं और ये स्टोरी बुक्स जो हम पढ़ते हैं, अब जितनी भी ये स्टोरीज हैं ये सारी फिक्शनल होती है, एक्सेप्ट फॉर द स्टोरीज जो रियल लाइफ पे बेस्ड होती है। जैसे कि हम, मैं आपको मिल्खा सिंह का एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर मिल्खा सिंह पे बुक लिखी जाती है तो वो जो है वो नॉन फिक्शन में आती है। बाय बिकॉज मिल्खा सिंह और जो उसकी बुक में हुआ हुआ है वो सब उसके साथ रियलिटी में हुआ था। मिल्खा सिंह एक असली इंसान है। महात्मा गांधी पे लोग बुक्स लिखते हैं, लोगों ने सुभाष चंद्र बोस पे बुक लिखी हुई है, कितने भी सारे, भगत सिंह के बारे में बात होगी, हमारी अपने इंडिया के फ्रीडम के बारे में जो किताबें लिखी गई हैं, जो हम अपनी हिस्ट्री में पढ़ते हैं, अपनी जो भी हम सीखते हैं, ये सारा नॉन फिक्शन कैटेगरी में आता है, जो रियलिटी में एक बार एग्जिस्ट करता था या करता है, राइट? फिक्शन फिक्शन वो हो गया जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन आपने कैरेक्टर बनाया हो, जैसे कि हमारी मूवीज, स्टोरी बुक्स, ये सब जो है ये सारे नॉन, जैसे ये ब्रह्मास्त्र मूवी आई है, क्या ये रियलिटी में बेस्ड है? क्या रणबीर कपूर अपने हाथों से आग निकाल सकता है? नो। क्या शाहरुख खान का जो, मैंने मूवी तो नहीं देखी बट यू नो शाहरुख खान का जो रोल है उसमें काफी लोगों को पसंद आया है, तो जो शाहरुख खान वहाँ पे उसमें डॉक्टर बना हुआ है, क्या वो रियलिटी में डॉक्टर है? नो। ये जितने भी एक्टर्स वगैरह हैं ना ये सारे फिक्शनल आर्टिस्ट हैं, यानी कि ये लोग मोस्टली जो लोग जब ये लोग बायोग्राफी पे या किसी की बायोपिक पे काम नहीं कर रहे हैं, जब वो किसी स्टोरी को सुना, जैसे कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाए, क्या वो किसी रियलिटी पे बेस्ड है? नो, इट्स अ फिक्शनल मूवी, राइट? सो फिक्शन स्टोरी टेलिंग आपकी मोस्टली केसेस में फिक्शनल ही होती है, बिकॉज आप अपने मन से कैरेक्टर्स बनाते हो, अपने मन से स्टोरी बनाते हो, ताकि बच्चे लाइक जिसको भी सुना रहे हो उसको इंटरेस्ट पैदा हो। एंड यू नो कभी कभार आपकी स्टोरी सच्ची भी होती है, आपने अपना कोई किस्सा सुना रहे हो, लेकिन उस किस्से को भी एक कहानी की तरह सुनाने का जो तरीका है वो भी सब लोगों को नहीं आता। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग आपको पहले बताएंगे कि उनके साथ क्या, अगर मैं आपको कोई किस्सा सुना रही हूँ, जैसे मैंने आपको भी किस्सा सुनाया अपनी मदर की कलीग के बेटे का, कि मैंने आपको धीरे धीरे बताया ना, मैंने आपको फटाफट तो नहीं ना बता दिया कि उसके बेटे को ना ये हो गया, आपको तो समझ नहीं आता भाई कौन किसका बेटा कैसे क्या। मैंने आपको पहले इंट्रोड्यूस कराया कि मेरी मदर की कोलीग का बेटा, आई हैव गिवन यू द बेस फैक्ट्स। उससे आपने जो मैंने आगे आपको बताया कि वो 9th क्लास का है, उसको ये हुआ वो हुआ जो भी हुआ, मैंने आपको पूरा एक सीक्वेंस में बताया ना, मैंने सीधा आपके ऊपर ठोक तो नहीं ना दिया। तो ये एक स्टोरी टेलिंग का आर्ट है कि आप स्टोरी, भले आपकी रियल स्टोरी हो भले आपकी ये इमेजिनरी स्टोरी हो, यानी फिक्शन या नॉन फिक्शन हो, स्टोरी को बताने का तरीका आना चाहिए। एंड आप लोग ने नोटिस किया होगा कि मैं जब भी बोल रही हूँ, स्टोरी सुना रही हूँ, मैं अपने हाथ यूज कर रही हूँ। सो आप एक्शन से भी इंसान को अपनी स्टोरी फटाफट बता सकते हो कि ऐसे बोर्ड ऐसा था, फिर उसने ऐसे करके कुछ बनाया, तो मैं अपने हैंड्स का यूज कर रही हूँ ना, तो इससे पता लगता है कि मैं भी आपको सुनाने में इंटरेस्टेड हूँ एंड मैं अपने एक्शन यूज कर रही हूँ। कहते हैं ना, इतना अगर हम बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं कि जो एक राजा था वो इतने बड़े महल में रहता था, आप सिंपल भी हो गए, जो राजा था वो बड़े महल में रहता, बहुत बड़े महल में रहता था, आपको इंटरेस्ट आएगा? कोई घंटा इंटरेस्ट आएगा? यू विल से व्हाट इज दिस, मैं कहूंगी इतना बड़ा महल था, उसका उसका टॉप ऐसे था, उसमें सारे घास थी,
फूल थे, तो मैं अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ ना. सो एक्शंस और आपके शब्द, आप जो शब्द यूज कर रहे हो, किस तरह से स्टोरी क्रिएट कर रहे हो और किस तरह से आप अपने हाथों का यूज कर रहे हो, वो चीज भी काफी इंक्लूड होती है स्टोरी टेलिंग के, क्योंकि इससे आप अपने लिसनर को भी इंकरेजमेंट दे रहे हो कि वो भी सुने, आपको भी इंकरेज, जब अगला इंसान आपकी कहानी सुनेगा आपको भी अच्छा लगेगा ना, आप भी इंकरेज होगे कि आप भी उसको सुनाओ, राइट. तो स्टोरी टेलिंग इज अबाउट दिस, आपको स्टोरी सुनानी आनी चाहिए और स्टोरी को सुनाने का तरीका आना चाहिए. स्टोरी तो कोई भी सुना सकता है, जैसे मैंने आपको बताया एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गए खत्म कहानी, मैं हाथ भी यूज नहीं करती, मैं कुछ नहीं बोल रही, एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गए खत्म कहानी. क्या आपको कुछ स्टोरी सुन के मजा आया? कुछ नहीं मजा आया, मैं आपको शक्ल तो नहीं देख सकती, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि आपको कोई मजा नहीं आया. अगर मैं आपको ये लेक्चर ही देख लो, अगर मैं आपको ये क्लास पढ़ा रही हूँ एक सिंपल सा एक्सप्रेशन रख के और बिना किसी हाथ हिलाए, देखो मुझे आदत है बिना कोई हाथ हिलाए मैं सिंपल ऐसे मुंह रख के आपको सुना रही हूँ, क्या आपको मजा आएगा? कोई मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या बोरिंग सी क्लास है. मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी कि मैं अपने एक्शन से, अपने वर्ड से, अपने एक्सप्रेशन से आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ रखूं, ताकि आप इस क्लास से बोर होकर इसे छोड़कर चले ना. सो ये भी एक तरीका है अपने आप पर अटेंशन रखने का, एक क्लास का अपने ऊपर अटेंशन रखने का. सो स्टोरी टेलिंग इज जस्ट सेम एज यू नो टीचिंग इन सम काइंड ऑफ वे, बिकॉज यू शुड नो हाउ टू हैव योर आपके उसकी आपको अटेंशन लेनी आनी चाहिए. सो वी हैव लेस देन वन मिनट बिकॉज टाइमर होता है ना. सो ये जब क्लास एकदम से अब्रप्टली एंड हो जाएगी तो उसके बाद प्लीज लिंक दोबारा ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मुझे आपको एक साइड और करना. सो जब तक ये है तब तक हम देखें, तो प्लीज दोबारा ज्वाइन जरूर करना उसी लिंक से. जस्ट होता है तो तब तक मैं नेक्स्ट स्टोरी पे चलती हूँ. नेक्स्ट सो यू कैन सी इट्स एन इमेज ऑफ स्टोरी टेलिंग. उन्होंने दो किताबें बनाई हुई है, कि उस किताब में से अब किताब कहेंगे स्टोरी, स्टोरी बुक में भी हो सकती है, स्टोरी वर्बली भी हो सकती है. तो इसमें क्या वो पेड़ है, ग्राफ बना हुआ है, घर बना हुआ है, लोग बने हुए हैं, लोगों में आइडिया, सब बहुत कुछ कर सकते हो अपनी बुक्स के थ्रू और अपने स्टोरी टेलिंग के थ्रू. बस आपको उसका आर्ट आना चाहिए, राइट. जयपुर So I would like to ask you one thing. Whenever from in the meeting you have any kind of question, hold it for the last. So you can ask me anything if you want after I'm done with the presentation. Because actually what happened yesterday, I had a meeting and because of some internet problem, the meeting didn't get complete. My presentation, I wasn't able to completely finish the syllabus for yesterday. So you're all new today. So I'll be kind of starting it from I'll giving you an overview of what I taught yesterday, and jitna bacha tha I'll tell you in a very I think the class is only for half an hour, I guess. So main chahungi ki main fatafat aap logon ka karwa do. Is it okay? Yes ma'am. No problem. Give me just a second, I'll share the screen with you. So is the screen visible to you? Yes ma'am, yes. Now it is visible. Okay. Because it's taking a little bit slow because my laptop is not that new. So that is why it is being a little bit of a diva. So okay, now is it visible? Hold on a second, please. Okay. Is it visible? आपको दिख रहा है अच्छे से? Yes, ma'am. So again, it's not actually technically day 64, but I thought कि मैं आप लोगों को एक बार कल का overview दे दूँ. Right, let's start with the next thing. Now the quote of the day was, every accomplishment starts with the decision to try. Now what do we learn from this is, the accomplishment kya hai? Accomplishment hai jab aap kisi cheez ko puri tarah se karte ho, right? And wo cheez tabhi ho payegi jab aap koshish karo. When you don't try, nothing is gonna come to you.
बिकॉज इवेंचुअली जो भी आप करना चाहते हो यू हैव टू वर्क बिकॉज यू नो हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस राइट सो विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क विदाउट ट्राइंग और विदाउट मेकिंग अ डिसीजन टू ट्राई कि हाँ मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ यू कांट अचीव अ सिंगल थिंग इन योर लाइफ राइट बिकॉज कोई भी चीज हमें फ्री में नहीं मिलेगी कोई भी अचीवमेंट कोई भी प्रमोशन कोई भी जॉब कोई भी चीज हमें यू नो ऐसा बिना मेहनत के नहीं मिल जाती सो वी हैव टू वर्क फॉर इट एंड इट ऑल स्टार्ट्स व्हेन यू डिसाइड अब मैं ट्राई करूंगी बिकॉज अगर मैंने यहाँ मन लगा दिया तो मैं करती हूँ दैट्स व्हाई इट्स सेइंग एवरी अकम्प्लिशमेंट स्टार्ट्स विद द डिसीजन टू ट्राई ओके नेक्स्ट वी गो टू द वर्ड ऑफ द डे इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ द स्लाइड्स आई एम गिविंग यू एंड आई थिंक द मीटिंग इज ऑल्सो बीइंग रिकॉर्डेड सो इट द ग्रुप माइट बी मेड आई डोंट नो अगर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट तो आप कर सकते हो ओके सो व्हाट ऑफ द डे इज कमिटमेंट नाउ कमिटमेंट का मतलब क्या होता है कमिटमेंट का मतलब है कि जब मैंने एक दृढ़ फैसला कर लेना कि जब मैंने एक काम करना है तो मैंने वो काम करके दिखाना है राइट तो उसको आपको अंदर की जो एक पावर आती है ना अपने अंदर एक ना फीलिंग आती है इमोशन आता है कि मैंने जो खाना है मैं वो करके रहूंगा या करके रहूंगी राइट सो उस फीलिंग को हम कहते हैं कमिटमेंट ओके यस मैम यस हाँ सो आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू राइट कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना मैम no, मैं कोई दूसरी बात में कमिटमेंट मतलब इमोशन के कर सकता हूँ क्या मैम हाँ कमिटमेंट एक तरह से ना आपका खुद का एक इमोशन है कमिटमेंट यानी कि जब आप किसी चीज कोई भी काम हो कोई भी आपने कोई डिसीजन ही क्यों ना लेना हो आपने कोई काम करना हो या किसी के लिए काम करना हो या खुद के लिए काम करना हो उस सारी प्रोसेस में जब आप एक पक्का इरादा कर देते हो ना कमिटमेंट यानी कि पक्का इरादा आपने उस काम को पूरा करने के लिए ठान लिया है और आप अपना पूरा पक्के इरादे से उस काम में पूरा ध्यान से करते हो एंड एंड में फिर आप अपना डिजायरेबल जो रिजल्ट है अचीव करते हो ओके सो द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग डेडिकेटेड काफी तीस के लिए अच्छा है अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय कमिटमेंट यू जस्ट सिंपली हैव टू से इट इज बीइंग डेडिकेटेड टू समथिंग डेडिकेटेड टू अ कॉज डेडिकेटेड टू एक्टिविटी एक्सेट्रा तो डेडिकेटेड है वो यहाँ पे आपका कीवर्ड राइट अगर आप कमिटमेंट यूज करो आप डेडिकेटेड यूज करो इट्स वन ऑफ द सेम ओके लेट्स गो द नेक्स्ट वन सो जो हमारा टॉपिक था कल का सॉरी दैट वाज यूजफुल फ्रेजेस यानी कि उपयोगी वाक्यांश यानी कि वो सेंटेंसेस या वो वाक्य जो हम अपनी डेली लाइफ में हमें बड़े यूजफुल होते हैं राइट जैसे कि हम कभी किसी से मिल रहे हैं कॉन्वर्सेशन करते हैं किसी हम क्या कहते हैं किसी अपने किसी पुराने दोस्त से मिलते जिससे हम काफी टाइम से नहीं मिले तो हम उससे पूछते हैं हेलो हाउ आर यू हाउ हैव यू बीन इन ऑल दीज इयर्स ठीक है ना तो ये सारी ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि हम जब किसी से मिल रहे हैं तो हमने क्या कौन सी फ्रेज कब यूज करनी है एंड दिस ऑल्सो वर्क्स फॉर इन अ सिचुएशन जहाँ पे आप बड़ा ही कोई मीटिंग फॉर्मल मीटिंग में जा रहे हो फॉर्मल मीटिंग होगी जैसे कि आप ऑफिस में जा रहे हो अपने कोलीग से बात कर रहे हो जो आपके साथ काम करते हैं वो कोलीग्स होते हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हो या फिर आप अपने किसी बॉस से बात कर रहे हो अपने किसी सुपीरियर पोजीशन से एंड ये सिर्फ ऑफिस से लेना देना नहीं है इसका उसमें आपका स्कूल में भी हो सकता है अगर आप में से कोई अगर स्कूल में है एंड यू आर टॉकिंग टू योर टीचर्स यू हैव टू शो रिस्पेक्ट एंड व्हाट जो भी आप उनके साथ वार्तालाप कर रहे हो जो भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हो इट्स अ वेरी फॉर्मल कॉन्वर्सेशन राइट व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ प्रिंसिपल मैम और यू आर टॉकिंग टू द एचओडी मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात कर रहे हो तो आप उनसे कैजुअल जाके तो नहीं बोल सकते हेलो मैम कैसे हो क्या कर रहे हो मतलब की क्या चल रहा है लाइफ में ऐसा तो नहीं ना बोल सकते यू हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल एंड वेरी पोलाइट व्हेन यू आर टॉकिंग टू देम ओके सो यूजफुल फ्रेजेस में हमारे पास आया कि स्पीकिंग इंग्लिश कैन बी डिफिकल्ट एंड स्केरी इवन फॉर लोकल स्पीकर यानी कि और लोकल के लिए मैं आपको एक नया वर्ड बता सकती हूँ वो है नेटिव नेटिव स्पीकर्स वो होते हैं जो अपने देश में रहकर अपनी भाषा बोलते हैं जो कहीं इसी देश में कोई भी पर्टिकुलर देश में पैदा हुए होते हैं बड़े हुए जरूरी नहीं कि आप मतलब कि हाँ जो पैदा हुए होते हैं जरूरी हो सॉरी जो पैदा हुए होते हैं और जो बड़े हुए होते हैं जैसे कि मैं इंडिया में बड़ी हुई इंडिया में पैदा हुई हूँ इंडिया में बड़ी हुई हूँ आई एम अ नेटिव स्पीकर आप लोग जहाँ से भी उससे फर्क नहीं पड़ता जैसे कि अगर आप जैसे आपने बताया छत्तीसगढ़ से हो झारखंड से इट डजंट मैटर अल्टीमेटली हम सारे इंडिया से ही है ना सो
कहते हैं कि और हमने हमें पता ही है कि इंडिया की अभी हालत एजुकेशन में इतनी फॉरवर्ड नहीं है एज कम्पेयर टू अदर नेशंस लाइक अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया एंड सो मेनी कंट्रीज जो काफी हमसे डेवलप हैं. सो वी नो दैट स्पीकिंग इंग्लिश फॉर द रेगुलर लोकल पीपल कैन ऑल्सो बी वेरी डिफिकल्ट. एंड ये हमने देखा क्योंकि हमारे इंडिया में इलिटरेसी लेवल अभी भी काफी है. सो हाउएवर देयर आर मेनी फ्रेजेस यू कैन यूज अगेन एंड अगेन इन योर डेली लाइफ. If you learn these phrases and practice them, you will start to feel more comfortable speaking English with friends, colleagues, or strangers. Now, अब आपने daily basis पे जब अपने घर से बाहर निकलते हो तो आपने दोस्तों से मिलते हो, अपने colleagues से मिलते हो, और आजकल strangers से भी हम मिलते हैं. तो strangers ही आगे जाके हमारे कभी कभार दोस्त बनते हैं, कभी कभार नहीं दोस्त, right? तो उनसे बात करने के लिए कहते हैं ना first impression is a last impression. अगर आपने किसी स्ट्रेंजर पे, अपने कोलीग पे, या अपने किसी बॉस पे, या अपने टीचर पे पहला इम्प्रेशन अच्छा डाल दिया ना, दैट विल रिमेन इम्प्रिंटेड ऑन देयर माइंड. इम्प्रिंटेड यानी कि वो छाप उसकी छूट जाएगी. यानी कि अगर आपने पहली बार उनको अच्छा इम्प्रेशन दे दिया तो वो हमेशा आपको उस इंसान से याद करेंगे जिसने मुझसे बड़े अच्छे से बात की, बड़े अच्छे शब्द यूज किए, एंड ही और शी वॉज वेरी पोलाइट टू मी एंड टॉक्ड इन अ वेरी ब्यूटिफुल मैनर. ओके, yes ma'am. Am I? हाँ, मुझे बता दिया करो, because I can't see the Zoom का page, right? So I'm on my slideshow. So give me कोई भी अगर आवाज ना आ रही हो या वीडियो ना कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे उसी समय इंस्टेंटली बता देना. ओके, सो ओके मैम. हाँ, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. हाँ, और अगर आपको अपनी इंग्लिश की स्पीकिंग, जितने भी लोग होते हैं ना, प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती है, वोकैबुलरी. और कई लोगों को होता है जिनको वोकैबुलरी का भी प्रॉब्लम है और प्रोनाउंसिएशन का भी प्रॉब्लम है. लेकिन कई लोग होते हैं जिनके को शब्द बोलने, जिनको शब्द पता है, दे आर वेरी गुड इन देयर मेमोरी, दे नो गुड अमाउंट ऑफ वर्ड्स, उनकी वोकैबुलरी अच्छी है, लेकिन उनको प्रोनाउंसिएशन में लात खा जाती है. सो प्रोनाउंसिएशन अगर आपने ठीक करनी है ना, उसका फायदा तभी होगा जब आप कोई नए वर्ड सीख रहे हो, अगर आप कहीं से पढ़ रहे हो, मिरर के आगे खड़े होकर दिन में कम से कम 10 बार तो उस चीज को, उस वर्ड को रिपीट करो ही करो, सेंटेंस को करो. आजकल गूगल पे कितनी न्यूज आती है, आप गूगल में कोई भी डेली न्यूज खोल सकते हो, उसकी लाइंस को आपने 2-3 या पैराग्राफ पकड़ लिया, उस पैराग्राफ को 10 बार पढ़ो, क्या पता उसमें से 2-3 नए शब्द तो आपको मिल ही जाएंगे ना, वो चीज तो होती होती. सो द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, आपको प्रोनाउंसिएशन बस एक बार सुननी है, उस प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट. और यू नो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कोई नहीं होती, सबका अपना बोलने का तरीका होता है. बिकॉज अगर हम एक शब्द ले लें, बिकॉज इंग्लिश कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं जो कि पर्टिकुलर एक उससे चल रहा है, रूल से, नो. जैसे कि अगर हम अपने वर्ड्स को प्रॉपरली एनन्सिएट करते हैं, एनन्सिएट मतलब उसको पूरी तरह से बोलते हैं, अपने पूरे टंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, इनको हम पूरी तरह से बोलते हैं, और हमारे वीज और हमारे W's उनको भी हम अच्छे से पूरा बोलते हैं, राइट. अब बाहर का आप देखो, अमेरिका को देखो, इंग्लैंड को देखो, उन लोगों के बोलने का तरीका कितना डिफरेंट है. वो लोग तो अपने R को बोलते भी नहीं, जैसे कि अगर आप इंग्लिश जो ब्रिटेन की इंग्लिश लो, इंग्लैंड की इंग्लिश लो, वो सॉरी, वो लोग R को तो खा ही जाते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं ना करते, हम पूरा बोलते हैं वॉटर, और भी कितने सारे रैट, रोप, ये जितने भी वर्ड्स हैं इसमें हम आर को पूरा अपने टंग से रोल कर रहे हैं, वो लोग तो वो भी नहीं करते. सो आपको अपने इंडियन इंग्लिश के हिसाब से प्रोनाउंसिएशन आपकी यू नो समझ आ जानी चाहिए अगले बंदे को, मतलब तो सबको पता लग ही जाता है. अगर आप थोड़ा भी वर्ड क्लोज बोलते हो ना, जो उसकी कहते हैं ना एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन मानी जाती है, उससे आप क्लोज क्लोज भी बोल रहे हो उस वर्ड को, सो इट्स कम्प्लीटली ओके. अगले को समझ आना चाहिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं, राइट. So, and it's also very important कि आप सही शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, you're not fumbling your words, because उसका फिर अगले को भी समझ नहीं आएगा, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, तो फिर वो चीज ना बैठती नहीं, राइट. सो एक बार आपकी प्रैक्टिस, आपके बोलने का जो सलीका है वो ठीक हो जाएगा, उससे आपको फिर प्रॉब्लम कम होती जाएगी. सो जैसे मैंने आपको बताया, फ्रेजेस दो तरह के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल हो गए, फॉर्मल फ्रेजेस को हम तब यूज करते हैं जब हम एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में हो, और इनफॉर्मल फ्रेजेस को हम तब यूज करते हैं जब हम इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में. फॉर्मल कॉन्वर्सेशन तब होती है, जैसे मैंने आपको बताया, अपने बॉस के साथ हो गई, अपने टीचर्स के साथ हो गई, अपने एल्डर्स के साथ हो गई, अपने
यू नो स्ट्रेंजर्स, किसी स्ट्रेंजर से आप मिल रहे हो, किसी क्लाइंट से मिल रहे हो, वो सारी कॉन्वर्सेशन फॉर्मल हो जाती है, ठीक है ना. इनफॉर्मल हो गई, मम्मा पापा के साथ जैसे बात कर रहे हो, दोस्तों के साथ बात कर रहे हो, या फिर या उन लोगों से बात करो जिनसे आपकी दोस्ती काफी अच्छी है, भले वो आपके सीनियर क्यों ना हो, जैसे कि आपके घर वाले हो गए, रिश्तेदार हो गए, रिश्तेदार से पूछे हाँ मासी कैसी हो आजकल, लाइक ऐसे बोलते हैं ना, ये सारी इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन, ठीक है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. सो मैं आपको ना इससे क्विकली गो थ्रू करा देती हूँ, बिकॉज वी हैव ओनली 15 मिनट्स, मैं आपको पूरा आज कराना चाहती हूँ. सो इन्विटेशन के लिए फ्रेसेस, इनविटेशन के लिए फ्रेसेस, लेट मी चेक माई कैलेंडर, नॉट चेकिंग योर एक्चुअल कैलेंडर, उसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने फोन का कैलेंडर खोल के चेक करना शुरू करूँ, नहीं, इतने बेवकूफ नहीं होते लोग. फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपीट कर सकते हैं मैम? हाँ, फॉर्मल इनफॉर्मल नो प्रॉब्लम. देखो फॉर्मल कॉन्वर्सेशन रिपीट कर दीजिए. हाँ जी, हम अभी आए हैं, रिक्वेस्ट कर दीजिए. अच्छा अच्छा, आप अपने आपको म्यूट, आपने कल कहा तक, आप कल भी थे ना शायद? हाँ भी. हाँ, तो आपने तो ये कर लिया था, आपके साथ तो मैंने ये किया था, तो आप थोड़ा वेट करो. आप चले गए थे सवेरे? क्या हुआ, कल आप जल्दी चल गए थे? वो जल्दी नहीं चली गई थी एक्चुअली, वो मीटिंग का जो टाइम लिमिट होता ना रूम में 40 मिनट का, वो पूरा हो गया, फिर वो टाइम पीरियड थोड़ा एक्सपायर हो गया. चलो आप मेरे साथ सुन लो, मैं वहाँ पर बैठा. जी मैम, सिर्फ आप मैम सिर्फ आप 6 to 8 लैब आते हैं या फिर और भी टाइम में आते हैं? नहीं नहीं, मैं होती हूँ 5 to 6. एक्चुअली आज थोड़ा वो लिंक का इशू हो गया, वरना मेरी 5 to 6 में, 5 to 5:30 रहेगा, बिकॉज मेरे को थोड़ा अपने कॉलेज का भी काम है, थोड़ा नेटवर्क इशू है मेरा, लेकिन आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज फास्ट एज आई कैन, ताकि मैं 1 घंटे की पूरी क्लास हो. ओके मैम. हाँ, सो मैं आपको ये फटाफट प्रेजेस करा देती हूँ, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम फॉर टुडेज एंड आई वांट टू फिनिश दिस प्रेजेंटेशन. सो प्रेजेस फॉर इनविटेशन, लेट मी चेक माय कैलेंडर, यानी कि मुझे मेरा शेड्यूल चेक करना. वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी फॉर डिनर, क्या आप मुझे डिनर के लिए ज्वाइन करना चाहेंगे? फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों कॉन्वर्सेशन दोनों में यूज हो सकता है. फिर आता है हाउ अबाउट अ गेम ऑफ फुटबॉल ऑन मंडे. अब आपने यहाँ पे वैसे भी फुटबॉल का इतना नहीं है क्रेज, लेकिन क्रिकेट का है. लाइक हाउ अबाउट अ गेम ऑफ क्रिकेट ऑन मंडे, क्या तुम मेरे साथ मंडे को एक क्रिकेट की गेम खेलना चाहोगे? राइट, हाँ जी. सो नेक्स्ट इज am I audible, right? Yes, ma'am. मैं फॉर्मल का यूज किस जगह पे ज्यादातर यूज करते हैं मैम? कौन से वाले फॉर्मल का यूज में किस मतलब एग्जैक्ट कहाँ पे ज्यादातर यूज होता है, और इनफॉर्मल का मतलब एग्जांपल्स वगैरह बता दीजिए. हाँ हाँ, मैं आपको बताती हूँ. फॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है जब हम उन लोगों के बीच में बात करते हैं जो हमारे ना क्लोज फ्रेंड्स ना हो या फैमिली ना हो, जैसे कि हमारे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, नाना नानी, चाचा चाची, जितने भी क्लोज फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप मोस्टली इनफॉर्मल रहते हो, इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है, ठीक है ना, हे ब्रो, व्हाट्सअप एंड ऑल दैट. लेकिन जब आप फॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, यू हैव टू मेक वेरी श्योर दैट यू आर स्पीकिंग, नंबर वन, यू आर वेरी पोलाइट, बिल्कुल भी अगले को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, ठीक है ना, बिकॉज फॉर्मल कॉन्वर्सेशन उस केसेस में होती है जब आप अपने किसी बॉस से बात कर रहे हो, या अपने किसी पोटेंशियल क्लाइंट से बात कर रहे हो जिससे आपको बिजनेस मिल सकता है, या फिर अपने स्कूल की टीचर से बात कर रहे हो, या अपने प्रिंसिपल से बात कर रहे हो, या अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात कर रहे हो, जिनके पास पोजिशन है, अथॉरिटी है, उन लोगों से अगर आप बात कर रहे हो ना, तो वो फॉर्मल कॉन्वर्सेशन है. जैसे कि जॉब इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू में क्या आप अपने इंटरव्यूअर को जाके बोल सकते हो कि कैसे हो भाई, क्या हाल चल रहा है आपकी जिंदगी की? नहीं ना बोल सकते. You can't say that. You have to be very polite. You have to be very, आपको अच्छे से बैठना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखनी है, अपने आपको कॉन्फिडेंट दिखाना है. और वो कॉन्फिडेंट आप तभी दिखा सकते हो जब आप उनसे फॉर्मली बात करते हो. आप उनसे लाइक हे ब्रो व्हाट्सअप, क्या आप अपने इंटरव्यू जिसे आपसे ले रहा है वो आपको हायर करेगा? अभी हायर नहीं करेगा, उस समय रिजेक्ट करके कहेगा बाय बाय, कोई जरूरत नहीं. हमें यहाँ पे इम्प्लॉयर्स चाहिए जिनको अपने इम्प्लॉयर्स की रिस्पेक्ट करनी आती है. हमारे साथ दोस्ती करने नहीं आए हो, हमारे साथ काम करने आए. ओके, सो बिजनेस से रिलेटेड या फिर आपकी जॉब से रिलेटेड, या आपके जितने भी सुपीरियर है ना आपके ऊपर,
उम्र में भी हूँ और पोजिशन में भी हूँ, उनके साथ फॉर्मल कॉन्वर्सेशन ही होती है। उनके साथ आप इनफॉर्मल तब हो सकते हो व्हेन यू आर नॉट ऑन योर, अपनी कंपनी में नहीं हो या स्कूल से बाहर हो, जब आप अपने काम करने की जगह या पढ़ने की जगह से बाहर हो ना, वहां आप थोड़े, अगर आप उनको जानते हो, अगर आप उनको उनके साथ काम करते हो लाइक एक दो साल हो गए एंड यू नो देम, तो अपनी कंपनी से बाहर निकल के आप इनफॉर्मली उनसे बात कर सकते हो। लेकिन ये भी नहीं कि ज्यादा उनके साथ फ्रैंक हो जाओ, नहीं, फिर भी थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा फॉर्मेलिटी रखनी पड़ती, बिकॉज एंड में वो तो आपके बॉस ही है ना, आपसे बड़े है ना, आपसे मतलब आपसे पोजिशन में ऊपर है। ठीक है, ओके मैम, बहुत अच्छा समझ में आया। हाँ चलो, अब ये इनविटेशन वाला फ्रेजेस है कि वुड यू लाइक टू हैव ब्रेकफास्ट विद मी टुमारो, क्या तुम मेरे साथ कल ब्रेकफास्ट करना चाहोगे। आराम से आप अपने, आप ये फॉर्मली भी पूछ सकते हो, इनफॉर्मली भी पूछ सकते हो, बट मोस्टली आप इसको फॉर्मल में यूज करना। आई हैव टू टिकट्स फॉर अ सिनेमा ऑन सैटरडे, वुड यू लाइक टू कम। अब देखो, अगर हम इसको, अगर इस सेंटेंस को हम इनफॉर्मल में लिखे ना, मतलब बोले हैं, तो हम कहेंगे कि आई हैव टू टिकट्स फॉर द सिनेमा, लेट्स गो टुमारो। That is very informal because आप उनको बोल रहे हो कि तू चल मेरे साथ, तो चल चलते हैं, मेरे पास दो टिकट है। नहीं, आपको फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में उनसे पूछना, आपने उनसे पूछना, बिकॉज आपको उनकी जरूरत है, उन्होंने आपको आके नहीं पूछा, आपने उनको जाके पूछा। सो यू हैव टू बी वेरी फॉर्मल कि आप किस तरह से उनसे पूछते हो, और इतने प्यार से पूछो कि अगला मान जाए, राइट। सो देन यू विल आस्क, आई हैव गॉट टू टिकट्स फॉर अ सिनेमा ऑन सैटरडे, वुड यू लाइक टू कम। वुड यू लाइक टू कम, अगर आपने ऐड कर दिया ना, तो अगले को लगता है कि हाँ भाई, इसने मुझे बड़े रिस्पेक्ट से पूछा है, फिर वो कंसिडर भी करता है। जब आप उस पर जाके ऐसे ही थोप दोगे कि चल मूवी देख के आते हैं, वो कहेगा मैं नहीं जाता, मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो। ऑब्वियसली अगले को, अगले की भी अपनी रिस्पेक्ट है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो क्यों, उसे क्यों अच्छा लगेगा जब आप उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हो कि चल, उसको लगेगा आपने तो मुझे वेला समझा हुआ है, मैं तो वेला हूँ, चलो मूवी देख के आता हूँ, मुझे वेला समझाओ। नो, यू हैव टू बी वेरी सटल, सटल यानी कि आपको बड़े आराम से अपनी बात उनकी तरफ पहुंचानी है, उनको किसी तरह मनाना है, और बड़े आराम से, बड़े पोलाइटली उनसे पूछना है, ताकि वो आपको मना ना कर। वुड यू लाइक टू हैव डिनर विद मी टुनाइट, वही चीज होगी आप मेरे साथ आज रात को। वुड यू लाइक टू, अगर आप वुड यू लाइक टू शब्द लगा रहे हो ना, अगले को इंस्टेंटली पता लग जाता है कि आप उसकी तरफ रिस्पेक्टफुल, उन्हें अच्छा लगता है कि आप उनकी चॉइस को कंसिडर कर रहे हो कि क्या वो आपके साथ जाना चाहेंगे या नहीं। जबकि भले वो हाँ ही क्यों ना बोले, उन्होंने पहले भी सोचा कि हाँ मैं तो जाऊंगा ही तेरे साथ, लेकिन अगर आप ये चार शब्द लगा देते ना, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू गो विद मी, वुड यू लाइक टू ड्रिंक विद मी, वुड यू लाइक टू गो ऑन अ वॉक विद मी, उनको अच्छा लगता है कि उनकी चॉइस के बारे में आपने सोचा है, आपने सीधा जाके अपना डिसीजन उन पर थोपा नहीं। ठीक है, फिर है हाउ अबाउट कमिंग टू अ पिकनिक एट द फुटबॉल क्लब, ये होगा हाउ अबाउट कमिंग टू अ, ये भी वही सेम चीज होगी, हाउ अबाउट कमिंग टू द पिकनिक विद मी, हाउ अबाउट गोइंग टू डिनर विद मी। So they feel appreciated कि मेरी चॉइस भी, इसने मुझे एक मौका दिया कि मैं भी कंसिडर कर सकूं, सीधा मुझको अपने डिसीजन आके थोपा नहीं, राइट। अब praises for saying no, because अब देखो, जब भी हम इनफॉर्मली अपने किसी कन्वर्सेशन में होते हैं, हम ना बोल देते हैं कि नहीं यार मैं आज नहीं जा रहा, या मैं नहीं कर सकती, लेकिन फॉर्मल कन्वर्सेशन में ना ये नहीं कर सकते। सो उसके लिए हम ये चीजें पढ़ते हैं, आई एम ऑलरेडी बुक्ड, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी, मेरे साथ मैं नहीं कर पाऊंगी, Sounds fun, but I'm not available. इसका मतलब है आप उनको डिक्लाइन कर रहे हो, लेकिन वो भी पोलाइटली, आप उनको रूडली ना, गो अवे, आई एम नॉट डूइंग दिस, नो दैट इज वेरी रूड। अगर आपको कहना आपने साउंड फन का, यानी कि आपको उनका प्लान अच्छा लग रहा है, आपने ये स्टैब्लिश कर दिया कि आपको उनका प्लान अच्छा लगा, लेकिन मैं अवेलेबल नहीं, मेरे को कोई और काम, फिर आई वॉन्ट टू बट आई एम अनएबल टू, सेम पिछले वाले जैसे कि मैं चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी, आई जस्ट डोंट हैव दैट टू गिव राइट नाउ, ये वाला लाइन आपको इतना यूज करने की जरूरत नहीं, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये थोड़ा ना कुछ ज्यादा ही आगे चला जाता है। आई एम नॉट एबल टू कमिट टू दैट राइट नाउ, अब कमिट वर्ड आ गया ना कि मैं अभी आपके साथ ये काम करने के लिए मेरे में ना इच्छा है ना मेरे में ताकत है। फिर अपोलॉजीज, बट आई कांट, अपोलॉजीज बट आई कांट मेक इट, अपोलॉजीज आपने सॉरी पहले ही बोल दिया, अपोलॉजी यानी कि अपोलॉजीज मतलब यू आर सेइंग सॉरी, अपोलॉजी यानी कि सॉरी फील करना, ठीक है, बट आई कांट मेक इट, मैं नहीं आ पाऊँ, I can't take on any more responsibility. My body says yes, but my heart says no. ये भी use करने की ज़रूरत नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा ही चला जाता है। No, a simple no. अच्छा, हम कभी-कभी simple no भी बोलते हैं ना, तो वो भी अगले को rude लगता है। तो देखो, जब हम chatting पे किसी से बात कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि अगले ने जो message भेजा है, उसने क्या अपने मन में tone समझ के भेज दिया। वो आपको no लिख सकता है, अपनी तरफ से polite समझ के।
आप जब नोट देखते हो तो आपको सिर्फ ये चार लेटर्स जो है ना ये रूड लगते हैं. सो बेटर है कि नोट को जो है ना आप फेस टू फेस ही यूज करो, चैटिंग वगैरह में मत यूज करो. चैटिंग के लिए आप ये बाकी सारे यूज कर सकते हैं कम्प्लीटली, राइट. उसके बाद मे बी अनदर टाइम. अच्छा, मे बी अनदर टाइम से आप कम्प्लीटली उनको मना नहीं कर रहे हो, आप बस कह रहे हो मैं आज नहीं जा सकती, मे बी दोबारा चलेंगे, मतलब कि फिर कभी चलेंगे बट आज नहीं मैं जा सकती. शॉपिंग के लिए यूजफुल फ्रेजेस तो बेसिकली इसमें यही आते हैं कि आप डू यू नो वेयर आई कैन ट्राई, मतलब कि मैं अपने कपड़े कहाँ चेंज, डू यू नो, आप उनसे पूछ रहे हो तो उनको भी लगता है कि हाँ भाई हमारी जॉब है आपको बताना, तो हमें अच्छा लगा कि आपने हमसे पूछा. ये नहीं खुद ही सारे कपड़े पकड़ के इधर उधर घूम रहे हो, ट्रायल रूम ढूंढ रहे हो, नहीं, वो तो फिर आप ही बेवकूफ हो, ठीक है ना. तो सेल्स पर्सन का क्या काम है, वो आपको हेल्प करे. तो आप उनके पास जाके पोलाइटली पूछते हो, डू यू नो वेयर आई कैन ट्राई माई क्लोथ्स, ट्राई दीज क्लोथ्स, माई क्लोथ्स नहीं दीज क्लोथ्स, माई क्लोथ्स हो गए तो आपने कपड़े जो आपके खुद के अभी आपने खरीदे थोड़े, अभी आपने ट्राई कर. सो डू यू नो वेर आई कैन ट्राई दीज क्लोथ्स, डू यू नो वेर इज द ट्रायल रूम, डू यू हैव एन एक्सेल साइज फॉर दिस टी शर्ट. आप उनसे पूछ रहे हो, खुद पागलों की तरह नहीं ढूंढ रहे हो, उनसे पूछो, उनकी हेल्प लो, उन्हें भी अच्छा लगता है बिकॉज इट्स देयर जॉब, राइट. सो अगर आप उनसे नहीं पूछोगे वो अपनी जॉब नहीं कर पाएंगे और आप बीच में मेस क्रिएट कर रहे हो, कपड़े ढूंढ रहे हो, बाहर निकाल रहे हो. कई लोग होते हैं ना शॉपिंग करते शर्ट निकाली अपने साइज की नहीं है वैसे ही रखती, हैंगर के अंदर भी नहीं रखते, वो कितना मेसी लगता है. फिर जो इम्प्लॉयज हैं फिर उनको डांट पड़ती है अपने एम्प्लॉयर से कि तुम उनके पास क्यों नहीं गए, वो तुम्हारी हेल्प के लिए क्यों नहीं आते, तो डांट उनको पड़ती है जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी. सो इट्स बेटर जब भी आप शॉपिंग करने जाओ, इट्स बेटर कि टू आस्क द सेल्स पर्सन, ओके. सो ओके मैम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक किसी को भी, यू कैन आस्क इफ यू वांट टू. नो मैम, अगर मेरा नेटवर्क अच्छा चलता रहा तो हम 7 तक क्लास ले सकते हैं. इट्स अच्छा नहीं, दिस प्री मीटिंग विल एंड इन 10. थोड़ा कट के आवाज आता है बाकी तो. अब आ रही है? हाँ अभी तो आ रही, कभी कभी बीच बीच में आता है. यस मैम आ रही है पूरा. फिर हमारे पास लाइक 10 मिनट्स हैं, सो लेट मी फिनिश अप इट रियली फास्ट पे. अच्छा, आप लोगों को नाउन और प्रोनाउन का कुछ पता है, नाउन एंड प्रोनाउन? यस मैम. Name is the name of person, place, or thing. One person at a time. Present, can you go first? And baki sab mute rakho apne aap. Can you tell me what a noun is? Noun is the name of person, place, or thing is called noun. Very good. आप मुझे noun के examples दे सकते हो? Like that, Delhi, Mumbai, Goa, Punjab, etc. Okay. Name में इंसान का नेम आ गया, place में जगह आ गई. Yes ma'am, name, Rahul वगैरह जो भी मतलब नाम होती है और जगह जो place होती है उसी को मतलब कर सकते हैं noun. सही है, because मैं actually यार यही कर रही थी. बाकी सबको भी समझ आया जो फैजल ने कहा है? डू यू अंडरस्टैंड इट और शुड आई एक्सप्लेन अ लिटिल बिट मोर? यस मैम. सब आ गया समझ की बताऊं, बिकॉज आपने सिर्फ यस मैम कहा, किस चीज को? यस उनके एक्सप्लेनेशन को कि मैं और करा? यस मैम. समझ? हां जी. यस मैम, गॉट इट. ओके. सो नाम प्रोनाउन भी हम कर लेते हैं. सो ये वाली जो है, आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला जो मेरे आपको दिखा रही हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि अगर आपको कोई हो तो आप नेक्स्ट मीटिंग में मुझसे दोबारा पूछ सकते हो. तो ये जो फ्रेजेस है ना, ये बड़े कॉमन चीजें हैं, ये आपने सुनी भी होंगी, कहीं पढ़ी भी होंगी. अगर नहीं भी पढ़ी हूँ तो आप एक बार पढ़ोगे ना आपको समझ आ जाएगी. एक्चुअली मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, इसीलिए मैं थोड़ा हरी अप कर रही हूँ ताकि मेरी आज का जो है मैं कंप्लीट करा सकूँ. अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो कल की क्लास जरूर ज्वाइन करना, ताकि हम फर्स्ट 5 मिनट. टू आवर का क्लास क्यों लेते हैं? हाँ जी, बोले 2 आवर का क्लास क्यों ले लेते? राजीव, आप प्लीज, आप मुझसे बात कर रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं? आपसे बात कर रहे हैं मैम. मैं मेरे क्वेश्चन था मैम,
हाँ जी क्या हुआ? आई एम नॉट गेटिंग यू. कैन आई टेल मी? या सी वन पर्सन एट अ टाइम प्लीज. मैम मैं ये बोल रहा था ना कि क्या आप कोई दूसरा टाइम मतलब लैब आ सकते क्या? एक्चुअली ये मेरे हाथ में तो नहीं है, लेकिन कल क्लास 5 to 6 ही मैं रखा, 5 to 5:30 तक, सॉरी 5 to 5:30 तक ही रखूंगी मैं. एंड आई ट्राई कि मैं अपनी जो पीपीटी है थोड़ी छोटी रखूं ताकि ज्यादा टाइम में मतलब जितना कम टाइम है उसमें सारा हो सके. So have you taken the screenshot of this? इसका आपने slide का screenshot ले लिया? Yes ma'am. Okay. So अगर आपको कोई भी problem होती है इसमें, just go through it. आपको नहीं समझ आ रहा उसको आप एक बार बस साइड में मार्क कर लो या कुछ कर लो, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी कल मुझसे पूछ लेना. ओके, तब तक मैं आगे चलती हूँ ताकि मैं आपको आगे का भी बता सकूँ. Why is it not going to the next one? Hold a second, please. Oh, just a second, please. I'll share it again. Dikh raha hai? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, thoda zoom kijiye na. No, ek second. क्या हो गया तुम्हें? तुम तो ऐसे सुस्त हो गए जाना वहां पे आते ही जाने. क्या हो गया तुम्हें? प्लीज अपना वो म्यूट रखिए, मैं आपको दोबारा करती हूँ. आई डोंट नो. यस मैम अभी अच्छा दिख रहा है. वो मैं आपको जरा स्क्रीनशॉट कर देता हूँ. स्क्रीनशॉट कर स्लाइड शो में कर. ये भी हमारे क्या आपको दिख रहा है? यस मैम. सो वी हैव 4 मिनट्स. ओके, देन वी हैव पोलाइट एंड इम्पोलाइट फ्रेज. अब आपने किसी से बात में, जैसे मैंने आपको बताया, इवन इन अ फॉर्मल कॉन्वर्सेशन एंड इन अ इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन, दोनों में आपका पोलाइट होना बहुत जरूरी है, राइट? सो अगर आपको किसी का बिजनेस कार्ड चाहिए, यू डोंट से गिव मी योर बिजनेस कार्ड. नो, यू हैव टू आस्क फॉर इट. यू डोंट हैव टू टेल देम, यू हैव टू आस्क फॉर इट. लाइक डू यू माइंड इफ आई टेक योर बिजनेस कार्ड? राइट, गो अवे. गो अवे बोला अब किसी, अगर मैं आपको बोलूँ गो अवे, यू विल फील बैड, राइट? That's why you can say, can we talk a little later? क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? फिर है, his performance was terrible. आप किसी की performance के बारे में अगर आपको नहीं भी पसंद आई, so don't say कि उसकी performance terrible. No, ऐसा लगता है जैसे आप चुगली कर रहे हो उसकी. No, you have to say his performance was not very good. आपने अपना point of view भी बता दिया और आप बुरे भी नहीं बने, right? I don't like it. No, just don't say it in that way. I don't like it. क्योंकि ना वो फिर again rude लगता है. I don't really like it, I'm afraid. You have to say that. मैं कहना चाहती हूँ लेकिन मुझे ये नहीं अच्छा लगा. I don't really like it, I'm afraid. I'm afraid वाला line लगा. I'm afraid का मतलब ये नहीं कि मैं डर गई हूँ, मुझे पसंद नहीं आया. No. In a very polite way, उस चीज को बताने के लिए कि I'm afraid कि मुझे ना नहीं अच्छा लगा. So you are using it that. I'm afraid का मतलब यहाँ ये नहीं है that you are saying that मुझे डर लग गया उस चीज को देखो. No. Right? Again, I don't like the colors in this picture. आप सीधा आई डोंट लाइक मत बोलो, सीधा बोलो आई प्रेफर टू. यानी कि आपने ये बात अपनी बता दी कि मुझे कलर पसंद नहीं आया पिक्चर में, लेकिन मैं मेरे हिसाब से ये कलर यूज होने चाहिए. सी, आपने उस लाइन में ये भी बता दिया कि आपको वो कलर पसंद नहीं आए और आप दूसरे कलर यूज करना चाहते हो, और अगले को आपका पॉइंट समझ भी आ गया और उसे बुरा भी नहीं. ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट. अच्छा, जब आपने किसी को पूछना हो कि क्या आप ये दोबारा रिपीट कर सकते हो, जैसे कि अगर आप कभी, अगर मैं आपको कुछ समझा रही हूँ और अगर आपको नहीं ना समझ आए कि मैं क्या कह रही हूँ, यू हैव टू यूज वन वर्ड. पार्डन, PARDON, जो ये लिखा हुआ ना ऑरेंज सबसे ऊपर ये वाला वर्ड, पार्डन. पार्डन, PARDON, पार्डन. पार्डन यानी कि पार्डन शब्द बोलोगे ना, अगले को समझ आ जाएगा कि आप उनको पूछ रहे हो कि वो दोबारा आपको बता दे कि आपने क्या कहना. Right? मतलब once more again का उल्टा है ना मैम?
मतलब जैसे कि मैं बोल जैसे मैं किसी को बोलता हूँ वंस मोर मैम प्लीज अगेन, तो जैसे कि उसका जस्ट अपोजिट है ना पार्डन। नहीं, ऑपोजिट नहीं, उसके उसके लिए छोटा शब्द। पार्डन का मतलब मतलब ही उसके यही है कि आप दोबारा बोल सकते हैं जो आपने पहले बोला था। मतलब उससे रिलेटेड है ना, मतलब कि उससे मिलता है, जैसे कि वंस मोर प्लीज ऐसे मैं बोलता हूँ ना। आपको सिनोनिम का मतलब पता है? सिनोनिम क्या होते हैं? सिनोनिम्स सिनोनिम का मतलब होता है कि हमने एक जो शब्द बोला ना उसके लिए उस चीज को ही एक्सप्लेन करने के लिए और शब्द भी होते हैं, राइट? तो पार्डन जो है वो इस चीज का सिनोनिम है, राइट? इसका मतलब कि पार्डन का मतलब हो गया कि जो आपने चीजें बोली क्या आप दोबारा बोल सकते हैं, मुझे पता नहीं लगा। सो यू हैव टू यू जस्ट हैव टू से वन वर्ड पार्डन, एंड आपको थोड़ा एक्सप्रेशन भी देना पड़ेगा। पार्डन, पार्डन मी, आप पार्डन या पार्डन मी, दोनों बोल सकते, ठीक है ना? अगले को समझ आ जाएगा कि आपको उनसे पूछना है कि आप उनको कहना चाहते हो कि जो आपने पहले बताया था दोबारा रिपीट कर। एंड अगर आपने बहुत ही इनफॉर्मल का आपको दोस्त के घर वाले हैं या कोई दोस्त है उनको बोलोगे व्हाट, आप पूछना क्या क्या बोलो तूने, ऐसे बोलने के लिए जो सिंपल है टू से व्हाट वाज दैट अगेन, व्हाट वाज दैट अगेन, या सिंपल व्हाट, बट डोंट बी रूड ऑन योर फेस बिकॉज आपके एक्सप्रेशन जो है बहुत काउंट होते हैं। वी हैव लेस देन 1 मिनट लेफ्ट, सो नेक्स्ट वाले में यू जस्ट हैव टू से देन व्हेन यू वांट टू अपोलोजाइज, सॉरी आई एम लेट, आई अपोलोजाइज, या आई एम सॉरी फॉर बींग लेट, आई अपोलोजाइज फॉर बींग लेट, यू जस्ट हैव टू यूज दीज टू वर्ड्स। सो नाउन को प्रेजेंट ने बहुत अच्छे से बताया था। प्रोनाउन, प्रोनाउन जो है हम एक नाउन के बदल में यूज करते, जैसे कि हम बोलते हैं ना, जैसे मेरा नाम मनस्वी है, मैं कहती हूँ मनस्वी वेंट टू द स्टोर, मनस्वी वेंट टू द, देन मनस्वी बॉट अ फ्यू ग्रोसरीज, ग्रोसरीज ग्रोसरीज यानी कि जो आपने घर का सामान खरीदे, सब्जी वगैरह, ठीक है? वो मैं आपको वर्ड दोबारा अच्छे से करा दूंगी, उसकी टेंशन मत लो। सो हम बार बार, आप अगर मैं कोई चार सेंटेंस बोल रही हूँ और चारों बार मैं अपना अपनी कोई एक्टिविटी बता रही हूँ और चारों बार मैं अपना बार बार नाम ले रही हूँ, तो वो इरिटेटिंग नहीं हो जाएगा उस चीज